नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संपत राज लीलर और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीर एजुकेशन पर। तो आज के इस सीरीज में हम जो है राजस्थान के लोक नृत्य का लास्ट पार्ट यानी चौथा पार्ट जो है डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन बच चुके हैं वो इस पार्ट में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय सबसे पहले पहुँच सकें। तो इस वीडियो के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि जो भी आपके भाई बंधु हैं वो भी इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। तो आज की इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य जिसमें प्रत्येक नर्तक के हाथ में चंग होता है और प्रत्येक नर्तक चंग को बजाते हुए वृत्ताकार भी नाचते हैं, तो वो कौन सा नृत्य है? पहला है आपके चंग नृत्य, दूसरा है ढप नृत्य, तीसरा है गीदड़ नृत्य और चौथा है कच्ची घोड़ी नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके पहला चंग नृत्य यानी शेखावटी क्षेत्र में होली के समय जब पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य यानी जो सामूहिक नृत्य किया जाता है जिसमें नर्तक के हाथ में चंग होता है और वो उसे बजाते हुए वृत्ताकार एक घेरा बनाते हैं, तो उस प्रकार का जो नृत्य होता है वो आपका चंग नृत्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दो पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने स्क्रीन पर, वह नृत्य कौन सा है जिसमें केवल स्त्रियां भाग लेती हैं? इनमें से बताना है आपको। पहला है आपका डांडिया, दूसरा है आपका गरबा, तीसरा है ताली नृत्य और चौथा है गेर नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, आपका समय शुरू होता है अब। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है उसका यूज करके आप जो है क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है दूसरा, गरबा नृत्य यानी गरबा नृत्य होता है उसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने स्क्रीन पर, नाहर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला है ब्यावर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा है भरतपुर कोमा अलवर और चौथा है आपका जालौर। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है, सॉरी आंसर को, क्वेश्चन का क्रमांक लिखिए आप, उसके बाद डैश या पॉइंट देके आपका जो भी 1, 2, 3, 4 में से आपका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखे एंटर कर दीजिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है दूसरा, भीलवाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार आपकी स्क्रीन के ऊपर है, गरासिया जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह कौन सा है? पहला है आपका गौर नृत्य, दूसरा है कूद नृत्य, तीसरा है वालर नृत्य या चौथा है लूर नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट आपका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पुट आउट हो सके। चलिए तो इसमें से आपका राइट आंसर है तीसरा, वालर नृत्य यानी गरासिया जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य एक है गरासिया, सॉरी वालर नृत्य, जिसमें वाद्य यंत्र का कोई भी प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने, निम्न में से वह नृत्य कौन सा है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? पहला है कथक, दूसरा है घूमर, तीसरा है कच्ची घोड़ी और चौथा है तेरह ताली। इनमें से राइट आंसर आपका कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन के आपका राइट आंसर है तीसरा, कच्ची घोड़ी नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छह पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर छः आपके सामने, निम्न में से काल बेलिया नृत्य के रूप हैं? पहला है इंडोणी और पणिहारी, दूसरा है शिकारी और इंद्रपुरी, तीसरा है आपका चरी और झूमर, चौथा है गौरी या घूमर। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट इसमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। चलिए इनमें से आपका राइट आंसर है पहला, इंडोनी कोमा पणिहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर सात पे विजिट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? पहला है आपका कालबेलिया, दूसरा है गरासिया, तीसरा है भील और चौथा है कथौड़ी। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस क्वेश्चन के लिए आपका 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। आपके पास सिर्फ जो है 4 सेकंड का समय रहा है, इनमें से आपका राइट आंसर पुट आउट करें आप। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है तीसरा, भील। यानी हाथी मना नृत्य किस जनजाति में ज्यादा प्रचलित है? भील जनजाति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, तेरह ताली नृत्य किस जाति से संबंधित है? पहला है आपका गुर्जर, दूसरा है गरासिया, तीसरा है कालबेलिया और चौथा है कामड़। इनमें से आपका राइट आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है चौथा, कामड़। यानी तेरह ताली नृत्य जो है कामड़ जाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लास्ट ईयर पटवार के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पहला है पणिहारी, दूसरा है संकरिया, तीसरा है आपका बागड़िया और चौथा है इंडोनी। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है बागड़िया। यानी कालबेलिया स्त्रियों द्वारा जब भीख मांगी जाती है तो उसमें भीख मांगते समय वे साथ में नृत्य करती हैं और उस नृत्य को कहते हैं हम बागड़िया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के ऊपर आपके, बिंदौरी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? पहला विवाह के कुछ दिन पहले, दूसरा है होली के अवसर पर, तीसरा है वर्षा ऋतु में या चौथा है बारात की विदाई के समय। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है, बिंदौरी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका होली के अवसर पर जो है बिंदौरी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? पहला है हाड़ौती, दूसरा है बांगड़, तीसरा है सेकाउटी और चौथा है मारवाड़। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके तीसरा, शेखावटी क्षेत्र का जो है चंग नृत्य सबसे ज्यादा प्रचलित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर, होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के साथ गरासिया स्त्री या पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? पहला है लूर नृत्य, दूसरा है मोरिया नृत्य, तीसरा है ज्वारा नृत्य, चौथा है चक्री नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका ज्वारा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, मतिरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतिरा फोड़ना का संबंध किस नृत्य से है? पहला है आपका अंगारा नृत्य, दूसरा है कूद नृत्य, तीसरा वलर नृत्य और लास्ट आपका फोर्थ है लूर नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है पहला, अंगारा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से भवाई नृत्य से संबंधित कलाकार कौन है? पहला है रूप सिंह शेखावत, दूसरा है मांगी बाई, तीसरा है फलकुबाई और चौथा है गुलाबो।
इनमें से राइट आंसर पुट आउट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है पहला रूप सिंह शेखावत। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पहला भवाई, दूसरा है बंजारा, तीसरा है काल बेलिया और चौथा है गरासिया। इनमें से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है ग्रासिया, यानी वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, गोगा मेणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियाबड़ एवं नाहर आदि क्या है? पहला है गौरी के पात्र, दूसरा छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है, तीसरा गौरी उत्सव के पात्र हैं जो कि वाद्य यंत्र बजाते हैं, और लास्ट फोर्थ है आपका गौरी नाटक के प्रमुख पात्र हैं। इनमें से आपका राइट आंसर पुट आउट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा, छोटी नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल और थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? पहला है गैर नृत्य, दूसरा है घूमर नृत्य, तीसरा आपका द्विचक्री नृत्य, चौथा है आपका हाथी मना नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर पुट आउट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आप हमारा राइट आंसर है दूसरा, घूमर नृत्य। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, कानूड़ा क्या है? पहला है गैर नृत्य में नर्तकों का जोड़ा, दूसरा है गौरी नृत्य की लघु नाटिका, तीसरा है आपका बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में जन्माष्टमी पर किया जाने वाला नृत्य, और चौथा है आपका गरासिया जनजाति का लोक नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर बताएं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है बाड़मेर और जालौर क्षेत्र में जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कानूड़ा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, निम्न में से किस नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है? पहला है घूमर, दूसरा है गैर, तीसरा है गीदड़ और चौथा है गरबा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है पहला, घूमर नृत्य जो है इसे लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने, 20 अंगारों के ढेर पर जसनाती सिद्धों द्वारा फतेह फतेह उद्दोष के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? पहला है बम नृत्य, दूसरा है चरी नृत्य, तीसरा है अग्नि नृत्य और चौथा है नेजा नृत्य। इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है तीसरा, अग्नि नृत्य। तो इस प्रकार हमने जो है आज की इस लास्ट फोर्थ वाली टेस्ट सीरीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपकी सीरीज अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज जो है हेल्पफुल लगी है तो आप जो है इस वीडियो के ऊपर एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।